देखिए ये कई दिन से हमारे यहाँ एटल्डी के एरिया में कुछ नोजल जो पानी की पाइपलाइन की होती है वो चोरी हो रही थी, और 29 तारीख को एक 5 प्लेटें हमारी शटरिंग की चोरी हो गई थी, जिस पर हमारे SHO मनीष जी हैं उन्होंने एक टीम गठित की थी, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर देवेंद्र की देखरेख में। तो उन्होंने शाम को सूचना मिली कि 3 लड़के हैं, हेमंत और संजय और तीसरा लड़का उनका मास्टरमाइंड जो है जीतू, ये गांव मोडी के रहने वाले हैं, जो ये इस प्रकार की चोरियां करते हैं जो, और ये एक गाड़ी में जो पहले भी कोई चोरियां कर रखी, पहले भी कुछ कबूला हो पहले। हाँ जी हाँ जी। तो तभी इनको दो लड़कों को काबू किया, हेमंत को और संजय को, जो तीसरा लड़का जीतू था वो वहाँ से इनके वहाँ से मौका से भाग गया। तो इनको अरेस्टिंग की हमने मुकदमा नंबर 170 में, जिसमें हमें इनसे 4 प्लेटें जो शटरिंग की हैं बड़े वाली वो इनसे रिकवर हुई हैं, और इसके अलावा फिर इसको हमने एक दूसरे मुकदमे में 153 में और इनको अरेस्ट हमने किया है, जिसमें भी इन्होंने ये बोला कि हमने गांव ताजपुर से नोजल और केबल को चोरी किया है। इसके अलावा इन्होंने करीब 1 दर्जन चोरियाँ इन्होंने इस प्रकार की लोहा की हुई है, जो इसमें कुछ वारदातें हमारी महेंद्रगढ़ की हैं और कुछ रेवाड़ी की हैं। सर ये कब से एक्टिव है ये करीब 1 साल से ये एक्टिव लड़के ये हैं, इनके पास अपनी गाड़ी भी है, और ये गाड़ी इसने हेमंत की अपनी गाड़ी है महिंद्रा सुपर, वो अपने साथ रखते हैं, रात को ये इस प्रकार की चोरियां ये करते हैं। जैसे चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, कई बार पुलिस के हाथ खाली भी करते हैं। देखियो अभी ये भी हमने वारदातें ट्रेस की हैं, और शहर की भी हमने काफ़ी वारदातें पीछे ट्रेस हमने की है, जिसमें घरों की चोरियां काफ़ी बरामद उनसे हमारी हुई हैं। पुलिस लगातार इस पे ही SP साहब के निर्देश है सभी SHO को कि इस प्रकार की पेट्रोलिंग करें कि कोई घरों में चोरियां इस प्रकार की ना हो, और ना ये खेतों की जो नोजल और पाइप और केबल की चोरी तो वो भी ना हो। ये तो हजारों में चोरी हो चुकी है, ये तो 5-10 दर्जन के करीब स्वीकार कर रहे हैं। हाँ ये इन तो देखो ये 1 दर्जन करीब हमारी इनसे ट्रेस हो रही है, उसके अलावा और जो गैंग है उस पर भी हमारी CIA जो है महेंद्रगढ़ और नारनौला वो उस पर काम हमारी कर रही है। सर जो आज का युवा है नशे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नशा भी इस जो चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने में सहयोग कर रहा है। देखिए मैं तो सभी अपने युवा साथियों से और उनके पेरेंट्स से यही आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें और इस लत की तरफ किसी प्रकार की अपनी फोकस ना करें, और ना ही किसी प्रकार का वो यूज करें, और इस प्रकार का हमें इन्फॉर्म से मिलती है कोई बेच रहा है उस पर हम एंड केस की कार्रवाई करें। तो उसने आज हमें ये बताया, तो उसमें हम अपना फोकस करेंगे और उस पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई करें। ये हमने 29 तारीख को अरेस्ट किया था इनको जी, पहली बार 170 नंबर में कुतवा है 29 तारीख। अब ये रिमांड पे चल रहे हैं? हाँ ये रिमांड पे चल रहे हैं, और अभी इनको दोबारा फिर इनका हम रिमांड लेंगे। थैंक यू भाई।